अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्रीम सैलड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले पानी बॉईल कर लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 1 चाय की चम्मच ऑयल। अब इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैक्रोनी ये देखें बॉईल हो चुकी है, तो अब इसको छान लेंगे। 1 से 2 दफ़ा इसको ठंडे पानी से वॉश कर लें। अब यहाँ पे हम फ्रूट कॉकटेल का टिन ले लेंगे, इसका जो जूस है सीरप है उसको अलग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से साइड पे निकाल दें और फ्रूट कॉकटेल इसको साइड पे निकाल लें, अलग अलग कर लें दोनों चीज़ों को। अब यहाँ पे ग्रीन एप्पल ले लेंगे और इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखें क्यूब में बारीक बारीक कटिंग कर लें। एक बॉल ले लें, उसमें सबसे पहले एप्पल ऐड कर दें। ये बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें फ्रूट कॉकटेल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैक्रोनी जो बॉईल की थी वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ सबसे पहले ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच मेयोनीज ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 5 चम्मच ऐड कर देंगे क्रीम, आप कोई सी क्रीम भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 खाने का चम्मच कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पे शहद और पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क जो है वो ऑप्शनल है, बेहतर है कि आप इसकी जगह पाउडर शुगर ऐड कर दें। सिंपल चीनी जो होती है उसको ग्राइंड कर लें, पाउडर बना के वो ऐड कर दें, उससे भी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होने वाली रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। क्रीम और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच कोकोनट पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे किशमिश, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़े से बादाम ऐड कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉकटेल सिरप जो था उसके 2 खाने के चम्मच ऐड कर दें। ज़्यादा ऐड मत करिएगा, इससे टेस्ट बहुत मीठा आएगा। तो बस 1 या 2 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। तो ये बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और इजी सी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी।